السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. मैं हूँ आपकी मिस अंबर. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज करते हैं. आपकी ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इस दफा ये आप लोगों की उर्दू की नई किताब आई है. नया सेशन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि आपने अपनी जो उर्दू की कॉपी है वो पहले किस तरीके से बनानी है. सबसे पहले आप लोग अपनी उर्दू की कॉपी के ऊपर अपना नाम सही तौर पर वाज़ेह अल्फाज में लिखिएगा. नाम, वाले साहब का नाम, क्लास, सेक्शन, ये तमाम चीजें आप लिखेंगे. उसके बाद उसके ऊपर आपने प्लास्टिक कवर चढ़ाना है. हर बच्चे की कॉपी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. इस साल कॉपी पे कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग आप लोग नहीं करेंगे. उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना ये वाला पेज बनाना है. जो आप लोग पहला पेज बनाते हैं खुशामदीद निकाहत अव्वल का, सबसे पहले आप लोग ये वाला सफा बनाएंगे जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा. उसके बाद आपने कॉपी के दो पेजेस के ऊपर अपनी फहरिस्त बनानी है. जो आप लोग बनाते आए हैं आप लोगों को पता होगा कि हम पहला पेज जो है वो निकाहत अव्वल का बनाते हैं और फिर उसके बाद दो पेजेस के ऊपर हम फहरिस्त बनाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी. अच्छा जी, उसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी हुरूफ तहज्जी से. क्योंकि उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हुरूफ तहज्जी उर्दू के कौन से हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनका पढ़ना और लिखना दोनों आपको आना चाहिए. फहरिस्त के बाद वाले पेज पर सबसे पहले आप हुरूफ तहज्जी लिखेंगे. हुरूफ तहज्जी लिखने के बाद दूसरे पेज के ऊपर आपने हुरूफ तहज्जी की आधी अशकाल, जैसे कि आपको इसके ऊपर अपने सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम लोग उर्दू जबान में लिखते हुए आधी शक्ल इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा अब आप लोगों को ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि किन अल्फाज की आधी शक्ल बनती है और किन अल्फाज की आधी शक्ल नहीं बनती. लिहाजा सबसे पहले आप फहरिस्त वाले पेज बनाने के बाद हुरूफ तहज्जी लिखेंगे एक सफ़े के ऊपर, जिस तरह आपको ये सामने नजर आ रही है. ठीक है, उसके बाद आपने अगले सफ़े के ऊपर हुरूफ तहज्जी की आधी अशकाल बनानी है, जिस तरह ये आपको सामने सफ़े पर नजर आ रही है. मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि किन किन लफ्जों की आधी शक्ल बनती है. अलिफ मद्दा और अलिफ तो आप शुरू में लिखेंगे लाजमी, इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती, ये मुकम्मल आते हैं. बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे. उसके बाद सीन और शीन, स्वाद और स्वाद, आइन और गईन, फा और काफ, फिर काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हा और या. ये अल्फाज ऐसे हैं जिनकी हम आधी शक्ल उर्दू जबान में लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम अल्फाज हम लिखते हुए पूरे के पूरे इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले आपकी कॉपीज के अंदर ये काम लाजमी तौर पर होना चाहिए. हर बच्चा मुझे ये काम करने के बाद अपनी कॉपीज के पिक्चर लेकर आप मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं फिर आपको जब नेक्स्ट काम स्टार्ट करवाऊँ तो मैं पुराना काम चेक करने के बाद आपका नया काम स्टार्ट करवाऊंगी. अब हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ करेगा, लिहाजा आप लोग अपनी कॉपीज मेंटेन करके रखें, बुक्स मेंटेन करके रखिए. इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपकी जो सेशन है वो पढ़ाई का इसी तरीके से मुकम्मल हो जाएगा.